हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे निपिंग के बारे में। अब निपिंग क्या है? निपिंग एक स्पेशल कल्टीवेशन प्रैक्टिस है जिसपे हम क्या करते हैं, एपिकल बर्ड को प्लग करके हम रिमूव कर देते हैं, इसको हम निपिंग बोलते हैं। अब निपिंग कब करते हैं? जब हम प्लांट को सोइंग करते हैं उसके 30 से 40 दिन के बाद हम निपिंग करते हैं। अब जो ऊपर पार्ट है प्लांट की, जो एपिकल बर्ड है, वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक हम उसको रिमूव कर सकते हैं, इसको हम निपिंग बोलते हैं। अब निपिंग क्यों करते हैं, निपिंग करने का फायदे क्या है, उसको हम नीचे देखेंगे। निपिंग स्टॉप द एपिकल ग्रोथ एंड प्रमोट द लैटरल ब्रांचिंग। निपिंग करने से एपिकल ग्रोथ जो है वो स्टॉप होगा और लैटरल ब्रांचिंग जो है प्रमोट होंगे, ब्रांचिंग ज़्यादा होंगे। थस द प्लांट बिकम मोर विगरस एंड प्रोड्यूस मोर फ्लावर एंड पॉड एंड यील्ड पर प्लांट इज इंक्रीज। जिसकी वजह से लैटरल ब्रांचिंग अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, प्लांट के जो फ्लावर है, जो पॉड है, वो ज़्यादा होंगे। फ्लावर और पॉड ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली यील्ड भी ज़्यादा होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ फिगर पे देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट फिगर है ये दिखा रहा है आप लोगों को पिंचिंग करने से पहले, पिंचिंग मतलब निपिंग करने से पहले की जो प्रोसेस, जो जैसे मतलब प्लांट होती है उसको यहाँ पे दिखाया है। और ये जो आफ्टर दिखाया है, ये निपिंग करने के बाद के प्लांट को दिखाया गया है। जैसे कि आप फर्क क्या डिफरेंट है इन दोनों में आप देख सकते हैं। निपिंग करने से क्या होगा, यहाँ पे जो सेकेंड फिगर है उस पर देखिए ब्रांच भी बहुत ज़्यादा आया है। ब्रांच ज़्यादा आया तो ऑब्वियसली वहाँ पे फ्लोरिंग भी ज़्यादा हुआ है, फ्लोरिंग ज़्यादा हुआ है तो पॉड भी ज़्यादा होंगे। और प्लांट के एकदम विगरेस ग्रोथ की वजह से क्या होगा, यील्ड भी बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ पे फर्स्ट फिगर पे दिखाया है कि ये निपिंग ना करने से क्या हो रहा है, प्लांट के ब्रांच भी एकदम बहुत ही कम होंगे। ब्रांच कम होंगे तो ऑफकोर्स फ्लावर और पॉड भी कम होंगे तो यील्ड भी इसका डिक्रीज होगा। इसीलिए निपिंग करना बहुत ही ज़रूरी है प्लांट के लिए, ताकि हम उसको यील्ड बहुत ज़्यादा कर सकें। थैंक यू गाइज।